हे, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काट कर फेंक दो इन सबको। आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते ना। हेलो सर, एक आदमी मना करने के बाद भी यहाँ गाड़ी पार्क करके चला गया। हाय। हेलो मैम, कैसे हो? गुड, आर यू फाइन? यस, हाउ आर यू डूइंग? कम ऑन हियर। ओह, सिर्फ यही लेकर आए हो? ये ज्वेल के बर्थडे के लिए, असली चीज तो बैग में है। चलो दिखाता हूँ। सर, मना करने के बाद ही आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या रे, तू तब से ही मुझे इरिटेट कर रहा है जब से गाड़ी पार्क की है। वो सिम कार्ड मुझे देना। लो। वैसे आज रात का हमारा प्लान क्या है? 3 साल बाद तुम यहाँ आ रहे हो, वो भी उसके बर्थडे पर, तो आज का दिन खास हुआ ना। आज हम लोग धमाल करेंगे ब्रो। ओके मैन, तो प्लान क्या है? वैसे अभी तो मुझे इंडियन फूड चाहिए। शूटिंग का मुहूर्त हुआ? 20 दिन हो गए। हीरोइन तो वही वाली है ना? तुम्हारे पापा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब वो कोई नई आइटम लेकर आए हैं। ब्लडी ओल्ड मैन, मेरी कोई बात मानते ही नहीं। अच्छा, अभी कहाँ चलना है? पहले सीधा कमिश्नर अंकल के पास चलो, मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। ओके सर, ये लोग जिस जमीन में अपार्टमेंट बना रहे हैं उसी के बगल में मेरी भी जमीन है। ये लोग मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा कर वो जमीन ले लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे भी उस बिल्डिंग में एक फ्लैट दिया जाएगा, और बिल्डिंग बनने के बाद जब हम लोग वहां गए तो पता चला कि बिल्डिंग बनने के पहले ही सारे फ्लैट बिक चुके हैं सर। पहले हमारे पास जमीन थी, घर भी था, मगर अब भाड़े पर रहना पड़ रहा है। पुलिस में केस फाइल करने के बाद भी हम लोग चैन से नहीं जी पा रहे हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके हमें बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, और वो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने टेबल पर है सर, और इन्होंने सारे पैसे ब्लैक में लिए।
नहीं सर, हमने ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं किया और न ही पैसे लिए सर। पुलिस, कोर्ट और लॉ की बात करके ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम और हमारी कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड है सर। आपके और आपके रेप्यूटेड कंपनी के बारे में इतने सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं। जमीन हथियाने पर कौन सा सेक्शन लगता है जानते हैं ना? आपने इनकी जो जमीन हथियाई है उसके बदले में आपको देने होंगे 2 करोड़ रुपए। कल दोपहर तक इन्हें हर हाल में सारे पैसे मिल जाने चाहिए, और ब्लैक नहीं व्हाइट, वरना कल से ये दीवार खड़ी करके वहां घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं उसकी नींव रखूंगा, समझे कि नहीं? 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, मैटर सेटल हो जाना चाहिए, समझ गए? जाओ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है सर। बैठो बैठो बैठो। कमिश्नर सर काफी कर्तव्य परायण है। तुम कब आए? एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी आपकी सेवा कर दूं, उसके बाद कहीं जाऊं। सर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? चुप रह, सब कुछ समझते हुए भी तू ऐसी बात कर रहा है। सर आपने जैसा कहा मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। 50 लाख ब्लैक में रेडी है, आप ये बताइए पैसे लेकर कहाँ आना है? शाम ठीक 5 बजे ताज। ओके सर। समझ में आया कुछ? पुलिस इतनी कर्तव्य परायण क्यों होती है? आप बिल्डर को परेशान कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई हिडन कैमरा रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 साल हो गए हैं मुझे ये खाकी वर्दी पहनते हुए, कितने खेल खेल चुका हूँ। जब भी कोई गलत काम करो तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस मत छोड़ो, और जो इस केस में हुआ है वैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए भी हमें इसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने एविडेंस बनाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। देखो प्रोडक्शन टीम तो 4 बजे यहाँ पर पहुंच जाएगी। ओके सर। तो टेक्नीशियंस को 3:30 बजे आने के लिए बोल देना जी। और सर? जो आर्टिस्ट है वो। हाँ मनीष। हमने 40 स्कॉर्पियो मंगवाई थी लेकिन 10 ही आई। क्या सिर्फ 10? हाँ। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी से बात करो। हेलो, जहाँ घोड़े की जरूरत थी वहाँ तुमने हाथी भेज दिया, और जहाँ हाथी की जरूरत थी वहाँ तुमने घोड़ा भेज दिया। तुम पक्का मुझसे ये फील्ड छुड़वा के रहोगे? एक मिनट। शर्ली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैंने तुम्हें रात को 11 बजे आने के लिए कहा था, तो तुम दिन के 11 बजे क्यों आ गई हो? जरा एक मिनट डार्लिंग। हेलो। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि चांस लेने के लिए मेरे पास फोन मत करो, तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। सर चाय? एक काम कर, मेरी छाती पे रख दे। एक मिनट रुको। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बुम 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 बुम। अरे मैं पियानो बजाना सीख रहा हूँ ना। सर वो गणपति आया है। चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहा है या अजंता एयरलाइन से? सब ठीक तो है ना किड़ो? मेरा कुछ भी ठीक नहीं है साजी। बॉस और मैं बहुत ही गुस्से में हैं। प्रोड्यूसर से बात करके इसका सॉल्यूशन निकालो। तुम और बॉस तो सिर्फ गुस्से में ही हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से उबल रहा हूँ। डायरेक्टर का दिमाग घूम गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 40 स्कॉर्पियो मंगवाई उसने, और वो भी सब एक साथ, सारी की सारी ब्लैक। डायरेक्टर हुकुम तो ऐसे दे रहे जैसे स्कॉर्पियो हमारे घर में बनती हो। हम लोग केवल 10 स्कॉर्पियो देंगे, अगर उसे शूटिंग कैंसिल करनी है तो कर दे। शूटिंग तो जरूर कैंसिल होगी माय डियर सुग्रीव। मेरा मतलब गणपति प्रताप सर आने वाले हैं क्या? लो वो आ भी गए, वो आते ही सब सॉल्व कर देंगे। 40 स्कॉर्पियो रेडी करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मैं जरा बिजी होने जा रहा हूँ। अरे सुनो रे। हेलो हाँ बोलो शशि। वो शहर के बीचों बीच का प्लॉट है, 70 करोड़ देगा तभी बेचूंगा, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उससे बात करके कॉल करना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है डायरेक्टर, काम चल रहा है ना? और शूट कब तक खत्म कर रहे हो? सर कम से कम 50 दिन तो लगेंगे, उससे पहले तो नामुमकिन है। और 50 दिन? ओह माय गॉड। जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि 40 दिन में शूटिंग खत्म करनी है। लेकिन सर। बैठो, ये फिल्म मुझे फेस्टिवल में रिलीज करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस तक भी रिलीज हो पाएगी। ऐसा ना हो फिल्म रिलीज होने के पहले ये इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। आज का क्या प्लान है? आज हीरो का इंट्रोडक्शन सीन है सर, और फाइट सीन भी होगा। हीरो? जब मैं फिल्म प्रोड्यूस किया करता था तो वो जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था। कहाँ है तुम्हारा हीरो? रेडी हो रहा है सर। अरे बोलो जल्दी रेडी हो जाए, नहीं तो वो भी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। बॉस ब्रांड तो बड़ा जबरदस्त है। वो लोग ब्रांडी भी बेचते हैं क्या?
चलो जाओ जाओ काम शुरू करो। ओके सर। सर बॉस का ड्राइवर गणपति यहाँ आ चुका है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी इधर आ रहा है बॉस। मैंने सभी समस्याओं का हल कर दिया है, प्रताप सर ने कहा कि वो बॉस से बात कर लेंगे, तुम अभी जा सकते हो। मैं यहाँ कड़ी धूप में कब से खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ, वो इस तरह अकेले समाधान कैसे निकाल सकते हैं, बॉस से मिलने के बाद ही समाधान निकलेगा, समझे ना। सर आप बॉस के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, 5-6 महीने से गोल गोल घुमा रहे हो हमको। हम लोग तुम्हारे बॉस को फोन करके जवाब देने के बारे में ही बात कर रहे थे, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। फैसला हो जाएगा तो उनके कॉल का जवाब देंगे, जाके अपने बॉस को बता दो। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बॉस के बीच में पड़ने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि ये फिल्म है कि शूटिंग चल रही है। अगर वो आ गए ना तो यहाँ पटाखा जलाकर दशहरा दिवाली साथ में मना देंगे। धमकी दे रहे हो मुझे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। माफिया डॉन शशि, जैसे वो फिल्मों में फाइट करता है ना, रियल लाइफ में भी जरूरत पड़ने पर वैसे ही मार सकता है। जल्दी से निकल ले वरना पिटेगा। माय डियर गणपति, हमें यहाँ पर शूटिंग करने दो ना, हीरो का एंट्री वाला सीन है, रिलैक्स हो जाओ यार, क्यों खामखा अड़ंगा लगा रहे हो। तुम्हारे सर ने जो कहा वो सब बॉस ने सुन लिया है। तुमने क्या कहा कि आज हीरो का इंट्रोडक्शन होने वाला है, अब हीरो का नहीं विलन का इंट्रोडक्शन होगा। गणपति तुम और तुम्हारे बॉस इंडस्ट्री के नंबर वन प्रोड्यूसर की शूटिंग लोकेशन पर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। साजी मोहन, ये नंबर वन और नंबर टू जो है ना, ये बच्चों का खेल है। He is the only one, the mega one. तुम्हारा नाम लेके तो हर कोई अपने काम की शुरुआत करता है और तुम ही काम में रोड़ा अटका रहे हो गणपति। Ready, let's go for the rehearsal. Cut, cut, cut. अरे वो किसकी कार है? बॉस आ गए। यहाँ से खिसक ले साजी प्यारे, हाथियों के जंगल में चूहे का क्या काम, मम्मी। आदरणीय प्रताप सर सादर नमस्कार। मैं सच में फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ, और अब फिर तुम चिल्ला रहे हो कि फिल्म कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ताकि कुछ और भीख दे दूं। बहुत पहले मुझे फिल्मों में चांस मिलने वाला था, लेकिन किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके ही जैसे एक आदमी ने एक्शन बोला, मैं समझ नहीं पाया तो कट बोलकर बाहर कर दिया। फिर मुझे पैसे कमाने का यही सही तरीका लगा। अब कोई मेरे एक्शन पर कट नहीं बोलता। मेरे सेट पे मारपीट करने के बाद याद रखना, तुम फिल्म इंडस्ट्री में कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय प्रताप सर, आप महान हो। मैं हाथापाई करने में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और आप मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों, सही कहा ना? प्रताप सर, मैं भी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ। तुम लोग फाइनेंसर से पैसे लेकर पॉकेट में रख लेते हो, और जब वो लोग पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें काशी जाने की सलाह देते हो, उनको बेवकूफ बनाकर सारे पैसे हजम कर जाते हो। लेकिन ये अलग नस्ल के हैं, जो इनके फोन का जवाब नहीं देते हैं ना, ये उन्हें झुकाकर मारते हैं। That is boss, मास का बाप। अरे कौन हो तुम लोग, बाहर निकलो मेरे सेट से। मैं जिसके साथ हूँ वही बेस्ट। फिल्म इंडस्ट्री में बिना पैसों के फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हाथ फैलाकर तुम्हें भीख मांगना पड़ता था, और मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हें पैसे देकर इतना बड़ा आदमी बनाया। अब मुझे ही तुम गोल गोल घुमा रहे। मेरे दिए हुए पैसों को लौटाने की जगह तुम इस तरह से पंच वाले डायलॉग मत मारो। मैंने अगर एक पंच मारा ना, तो तुम सीधे रोड पर डिस्को करते नजर आओगी, समझ गए? अगर तुम अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो,
तो इज्जत से मेरे सारे पैसे लौटा दो, वरना मैं उन्हें मार दूंगा और तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है रे? मैं हूं सर। इसे गाड़ी में लेकर आओ। हाँ ठीक है, चल भाई। लेकिन चल। टोपी पहनना जरूरी है? बिना टोपी के डायरेक्शन नहीं होता क्या? हाय फ्रेंड्स, मैं तहे दिल से आप लोगों का वेलकम करता हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज ब्लेस माय डॉटर, माय प्रिटी ज्वेल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओके फ्रेंड्स, अब डिनर का समय हो गया है, प्लीज एंजॉय। अरे अंकल, आप केक काटने के समय क्यों नहीं आए? ये केक काट के सेलिब्रेट करने का समय है क्या? बाहर का एक आदमी आके हमें बेइज्जत करके चला गया। अगर वो हमारे सेट पर इस तरह से हंगामा करता तो हम लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ते। हाँ, तुम अपने जान की खैर मनाओ, जरा पीछे देखो। I'm in a birthday party. I'll get back to you tomorrow. Okay. आज आपके साथ जो हुआ वो बात पूरे शहर में फैल गई है। अरे फैलेगी क्यों नहीं, ये बात फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह आ गई है। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही सबके सामने उसकी एंट्री हो गई। और क्या फिल्मी डायलॉग मारा उसने, अगर शूट करके उसे रिलीज कर देते तो फिल्म सुपर हिट हो जाती। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? अब क्या प्लान है? उसे अंदर करवा दीजिए सर, जिससे सब लोगों को पता चल जाए कि प्रताप के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अंदर करवाइए उसे। इतनी मेहनत से मैंने यहाँ पर अपनी इमेज बनाई थी, उसने एक दिन में ही सब बर्बाद कर दिया। क्या इमेज बनाई थी? प्रताप वर्मा, पिछले 5 सालों में तुम्हारी फिल्म ने केवल फेसबुक पे शानदार कलेक्शन किया है। बड़े आई इमेज की बात करने वाले। अगर दोबारा मुंह खोला तो मैं तुम्हें जिंदा चला दूंगा। सर, आइज़क, कल हमें एक आदमी को पकड़ना है, नाम बॉस है। डिटेल्स मेरे ऑफिस से कलेक्ट कर लो। ओके सर, आई डू इट। उस पे चार्ज क्या लगाना है सर? मैं बताऊंगा क्या चार्ज लगाना है। ओके सर। सर कौन सा चार्ज लगाएंगे? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वायलेशन। क्या? अरे कैसे प्रोड्यूसर हो तुम, इसे ऑपरेशन कुबेर कहते हैं। यस, लेकिन उसके केस में ऑपरेशन शाइलॉक। यही है वो आदमी, लोग इसे बॉस या शाइलॉक के नाम से जानते हैं, लेकिन किसी को उसका एक्चुअल नाम पता नहीं है। 2016 से इसका फिल्म इंडस्ट्री पर दबदबा चला रहा है। शाइलॉक, वो कैसे सर? शेक्सपियर ने एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखा है जो दुनिया का सबसे निर्दयी मनी लैंडर था, और फिल्म इंडस्ट्री में वही रुतबा शाइलॉक का है। वो ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए गॉड है जिनकी फिल्में पैसे की कमी से रुक जाती है। ये है बाल कृष्ण पनिकर, फिल्म इंडस्ट्री का पुराना प्रोड्यूसर। बॉस ने अपने गेम की शुरुआत इसी की लास्ट फिल्म से की थी, फिर वो अपने गेम खेलता गया। आखिरकार जब वो उसका पैसा वापस नहीं कर पाया तो बॉस ने उसे अपना मैनेजर बना लिया। ये है गणपति, ये बाल कृष्ण का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन जब पनिकर बॉस के लिए काम करने लगा तो ये बॉस का ड्राइवर बन गया, और अब ये दोनों बॉस के लेफ्ट और राइट हैंड हैं। तो फिर हम लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं सर? भले ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो, लेकिन सबूत कोई नहीं है। और सुनो, तुम लोगों को उसके खिलाफ सबूत ही जमा करना है, इसीलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ बुलाई है। लेकिन सर, उसके खिलाफ तो कोई कंप्लेन भी नहीं आया। जब कोई उसका लोन नहीं चुका पाता है तो वो उन लोगों के साथ वही करता है जो पनिकर के साथ किया, वो उन लोगों की कार, बंगला, संपत्ति सब कुछ ले लेता है। लेकिन अभी तक किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की है, और ये प्रोड्यूसर्स का गॉड उन्हीं के लिए यमराज बन जाता है। सर, तो क्या हम लोग यमराज को पकड़ने जा रहे हैं? अब तक मेरे पास 5-7 घर होना चाहिए था, है ना?
लेकिन अभी तुम्हारे पास एम्बेसडर कार भी नहीं है। अभी तक तुम्हारी भविष्य देखने वाली आदत गई नहीं है। ए, मजाक उड़ा रहे हो, पर ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, समझे? अरे क्रोधित क्यों हो रहे हो यार, अपना डाउट पूछ रहा था। अगर मैं किसी का भविष्य बता दूं ना तो बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसी बात है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? या ये भी कोई प्रेडिक्शन है? मेरा प्रेडिक्शन 99% सही होता है, बस मेरे मामले में नहीं होता है। माँ जी रुकिए, ये थाली लेकर रोज कहाँ जाती हो? कोई जादू टोना तो नहीं करती? क्या जादू टोना, लोग ऐसा करते हैं? बिल्कुल, फिल्म वाले कई लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कई बार मैंने इस घर से रात को रोने की चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। इस घर में जरूर कोई जादू टोना होता है। क्या है, मैंने तुम्हें इस तरफ आने से मना किया था ना? चलो, मौसम बहुत नशीला है ना पनिकर? मैं भी आपसे यही कहने वाला था, अजीब तरह का मौसम है ना? ये यहाँ क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना, आगे आने वाले 5 साल तक मेरे पास कोई डेट नहीं है। इसकी फिल्म का नाम क्या है? क्या होगा भाई? अरे हीरो हीरोइन जो लेना लो ना, हीरो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? एक मिनट रुको जरा पनिकर सर। नमस्कार। कल जिस डायरेक्टर को पकड़ कर लाए थे, बॉस ने उसे छोड़ दिया है, पता है ना? अरे वो फिल्म अलग थी, ये फिल्म बिल्कुल अलग है। एक बार में इतनी फिल्में कैसे कर लेते हो बादशाह? डार्क बादशाह, एक्चुअली मैं इस घर के बारे में कुछ पता करने आया। हमने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है, ये घर शूटिंग के लिए नहीं देते। हाँ, लेकिन आखिरी बार में बॉस से नहीं मिल पाया था ना, अगर मैं उनसे डायरेक्टली मिलता तो ये काम कब का हो जाता। बॉस भी डायरेक्ट मीटिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड है ना बॉस? हाँ, डायरेक्टली मिलना चाहते हैं ये। आने दो, किस काम से आए हो? डायरेक्टर इस बात के लिए अड़ गया है कि वो इसी घर में शूटिंग करेगा, इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली मिलने चला आया। अरे कंट्रोलर साहब जी। हाँ सर। अपने पैसों के लिए इस घर मालिक पर केस किया था, और पता है पूरे 2 साल तक वो केस चला, हाँ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। बदले में मैं यहाँ रहने लगा, और अब मैं ही इस घर का मालिक हूँ। मतलब अब इस घर में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होता है। आप इस घर में रह के क्या करना चाहते हैं? सोचता हूँ घर को बॉम्ब से उड़ा दूं, और उसके बाद जब यह घर जलेगा तो हम लोग उसे देखकर मजे लेंगे। हाँ तो सर जी। हाँ सर। तुम्हारा बॉस अब भी शूटिंग करना चाहता है? अरे भागो यहाँ से, ज्यादा देर रुके तो यहीं से सीधा शमशान जाना पड़ेगा। निकाल रहे। लगता है तुम्हें पकड़ने आए। मुझे क्यों? तुमने किसी को लूटा होगा। तुम्हारा बॉस कहाँ है? बताइए सर क्या बात है? उसके नाम पर वारंट इशू हुआ है। बॉस के नाम से वारंट है? क्या कह रहे हैं आप? वारंट पेपर को लेकर किचन में रख दो, सब्जी पकाने के काम में आएगा। सही कहा, तू पुलिस स्टेशन चल, वहाँ तेरे को पका कर दूंगा। क्या कहा आपने? इतना अनादर ये भी भूल गए हम साथ में पढ़े हैं? तेरा आदर सत्कार पुलिस स्टेशन में करूंगा। अरे सर, आपने इसमें ये सब क्या लिख दिया है? क्यों डर गया ना? मैं इतने से डरने वाला नहीं हूँ सर। मुझे पकड़कर ले जाने के लिए कम से कम ये तो इल्जाम लगाओ कि मैंने किसी सुपरस्टार की गाड़ी छीन ली है, या उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। क्यों भाइयों, अभी ये सर जिस तरह मेरा अपमान कर रहे थे, उसके लिए इन्हें इस नोटिस में कुछ न कुछ तो लिखना ही था ना? लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। एसपी रैंक से नीचे के किसी अधिकारी से बात किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, इसीलिए अभी तुम जाओ, और अगर तुम मुझे पकड़ना ही चाहते हो तो जैसा मैंने कहा वैसा केस बना कर लाओ, और इसमें जो भी मेंशन करना वो बालकृष्ण पणिकर के नाम पर करना। अब तुम जा सकते हो, और अगली बार जब आना तो कुछ नया लेकर आना। वो क्या है कि जब तक 100-200 करोड़ की चर्चा ना हो केस में मजा नहीं, बहुत शर्माती है मुझे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कंधे पर ये स्टार नहीं रहेगा, और बड़ा स्टार लग जाएगा, फिर तुम सिर्फ साइन ही करोगे। ओह जाओ 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 जाओ। आपने उन्हें जाने के लिए कहा और अब आप खुद ही जा रहे हो बॉस? अरे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ कोई हंगामा ना हो, वो लोग चले जाएंगे। गाड़ी धोई नहीं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गाड़ी रोज ना धोऊं। गणपति हूँ मैं, गणपति। चलो चुपचाप गाड़ी साफ करो, मुझे जाना है। अरे ये इतना बकबक क्यों करता है? ये क्या सोचते हैं कि पंच डायलॉग मैं नहीं मार सकता, सिर्फ वही मार सकते हैं क्या? मुझे लगता है जल्दी बंगाली ड्राइवर रखने वाले हैं। बॉस, उस प्रताप वर्मा ने अपना गेम फिर से शुरू कर दिया है। मैंने प्रोड्यूसर एसोसिएशन में कॉल कर दिया है, मैं नहीं आऊंगा। इससे पहले कि वो लोग कहे तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। तुम सिर्फ मीटिंग में जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ सतीश बोलो। सर प्रताप सर का बेटा यहाँ अपने कुछ गुंडों के साथ आया हुआ है। मैं उन्हें बता दूंगा, कुछ होता है तो मुझे बताओ, ठीक है? क्या हुआ, क्या कहा सतीश ने? प्रताप का बेटा कुछ अलग करने के मूड में लग रहा है। जिस डांस बार को गिरवी रखा था उस बार को किसी और पार्टी को बेचने की प्लानिंग कर रहा है, और कुछ गुंडों को लेकर
इस वक्त बार में ही है। क्या हमें उसके डांस बार को खत्म कर देना चाहिए? छह, तुम चुप रहो यार। गणपति, हाँ? कार को बार में लेकर चलो। ठीक है, अभी ले चलता हूँ। चलो देखते हैं वो वहाँ क्या कर रहा है। ओके बॉस। जिम का एक लड़का इधर आ रहा है बॉस। तुम्हारे डैडी ने मुझसे पैसे लिए थे और उसके बदले में उन्होंने ये बार मेरे पास गिरवी रख दिया था और तुम मुझे बिना बताए इसे बेचना चाहते हो, जो कि गलत है। इसी वजह से मुझे अपना परफॉर्मेंस यहाँ दिखाना पड़ा। किडो, अब तुम एक काम करो, यहाँ जितना भी लॉस हुआ उसका अकाउंट बनाओ। तुम उसे अपने डैडी को देना और उसे उन्हें भरने के लिए कहना, और कहना कि आज बार में आइटम डांस की जगह तांडव हुआ जो बॉस ने किया। कौन हो तुम? किडो, इस राज्य में पहला इंसान है जो मुझसे पूछ रहा है कि कौन हो तुम। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। hey! बार खरीदने तुम ही आए हो? जी सर। हाँ, सपना मत देखो, नसीब वाले हो इसलिए बच गए। अच्छा, बॉस की फाइट फेसबुक पे अपलोड कर दूं क्या? वो क्यों? बॉस ने जिस तरह गुंडों को उठा उठा कर पटका है ना, उसको देखकर पब्लिक के कितने लाइक्स मिलेंगे। एक्शन, कॉमेडी, मास और पता नहीं और क्या, मेरा क्या? तुमको जलन हो रही है क्या? मुझे मत बताओ कि बार में लड़ाई के लिए उस पर केस करना चाहिए। ये तो एक मामूली केस होगा। मैं उसे छोटे मोटे केस में बंद नहीं करवाना चाहता। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? अब उस बार पे मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए, इसलिए कहता हूँ उन कामों से दूर रहा करो। जो मन करे खाओ पियो और यहाँ वहाँ आराम से घूमो। अपना काम करना मुझे अच्छी तरह से आता है। एक तरह से देखा जाए तुम्हारा बेटा बहुत लकी है। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसे आंख उठा के देख सके। ऐसा मत बोलो चाकू। वो तुम ही थे ना जो उसे फंसाने की बात कर रहे थे, ऑपरेशन साइलो। बताओ क्या उखाड़ लिया उसका? आज भी वो वैसे का वैसा ही है। आपने तो कहा था कि सारी मीडिया उसके खिलाफ हो जाएगी, और तुम्हारा सियाई जाग भी कुछ नहीं कर पाया। कोई भी इंसान या कानून आज तक उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। बाहर से आदमी बुलवा कर उसका काम तमाम करता हूँ। इसके लिए कितने भी पैसे लगे मुझे कोई परवाह नहीं। उसे खत्म करने के लिए तुम बाहर से शूटर तो मंगवा लोगे, पर उसके बाद अगर तुम फंस गए तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत करना।
क्या तुम जोर पुलिस का खेल खेल रहे हो? जैसे उसने तुम्हारे बेटे को मारा था, कहीं वैसे ही तुम्हारा स्वागत भी ना कर दे। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, बल्कि उसका खेल खत्म कर रहा हूँ। दुश्मन जब पकड़ में ना आए तो उसके साथ क्या करना चाहिए जानते हो? उसके मांद में जाना चाहिए, मांद को पत्थर से बंद कर देना चाहिए, जिससे हवा नहीं जाएगी और दम घुटने से वो मर जाएगा। ज्यादा बकबक करोगे ना तो तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। आदित्य, वी हैव अ डर्टी प्लान। आप हम लोगों को यहाँ बुलाकर आखिर इस तरह से चुप क्यों बैठे हैं? हम सबको यहाँ फिल्में बनानी है, आखिर कब तक हम इस तरह के गुंडों से डरें? सेक्रेटरी साहब, इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। उस पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा, सब जानते हैं कि उसके पीछे किसी और का हाथ है। उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे सेट पे हंगामा खड़ा कर दिया। ये सब हुआ क्योंकि इसमें इनका नाम था। इन्हें अपने साथ रखने की बजाय बाहर कर देना चाहिए। अगर आपने उनका साथ देने की कोशिश की तो याद रखिए, हम आपका लिहाज नहीं करेंगे। माना कि आप एक पुराने प्रोड्यूसर हो, पर उनके हाथ बिक चुके हो। अरे तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो कुछ बोलो। इस मीटिंग के बारे में जब बॉस को बताया तो बॉस ने कहा कि मुझे ये मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। बॉस ने कहा यहाँ वो सब लोग आएंगे जो पैसे लेके ना तो पैसे लौट आते हैं और ना ही फोन उठाते हैं, तो अगर आप उनसे कुछ भी कहना या सुनना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं। नमस्कार, राजीव रमन जी, आप भी यहाँ बैठे हैं? सैटेलाइट राइट्स बेचने के बाद आपने कहा था कि आप मेरा पैसा लौटा दोगे। वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था क्या जो कॉल नहीं किया? सुनो, अगर शाम के 5 बजे तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो 7 बजे तुम्हारे चैनल में जाकर आज का न्यूज मैं ही पढ़ूंगा। और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ जो बुरा लगेगा तुम्हें। देखो बॉस, हाँ तुम इस तरह से मीटिंग में किसी जेंटलमैन की इंसल्ट मत करो। जेंटलमैन? यहाँ जेंटलमैन कौन है भाई? सेक्रेटरी साहब बताइए, यहाँ जेंटलमैन कौन है? हाँ वो सब छोड़ो, यहाँ ऐसा जो भी आदमी है जिसने मुझसे पैसे नहीं लिए वो यहाँ से जा सकता है। सुना ना बॉस ने क्या बोला, जिसने पैसे नहीं लिए हैं वो गेट आउट। देखो बॉस, यहाँ पे हंगामा मत करो। हंगामा? सेक्रेटरी साहब, उस इंसान को छोड़कर जो अभी मोबाइल चला रहा है, मैंने कभी किसी के साथ हंगामा किया नहीं ना? जो प्रॉपर्टी उसने मेरे पास गिरवी रखी है उसे बेचकर अपना इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकता। तुमने भी मुझे 6 महीने पैसे नहीं दिए। मैंने कुछ कहा नहीं, कहा क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम ही बताओ, सही किया ना? मैंने फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए, यहां तक कि मोबाइल और पेट्रोल का खर्चा तक दिया, फिर भी ये मुझे पीछे घुमा रहा है। मिस्टर प्रताप वर्मा साहब, बाहर जो मर्सिडीज गाड़ी खड़ी वह किसकी है? ड्राइवर से उस गाड़ी की चाबी मंगवा ली है मैंने। बॉस, ये गाड़ी तो बस हम इंटरेस्ट के तौर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट चाहिए, बाकी मुद्दल का तुम देख लो। हाँ, क्या आपके साथ एक सेल्फी हो जाए? हम उन सबका फोटो एल्बम बना रहे हैं जिसने जिसने बॉस से पैसे लिए। अब क्या है कि बॉस के पास आपकी फोटो नहीं थी तो इसलिए मैंने फोटो ले ली। बाय। हाँ, बहुत शानदार बिल्डिंग है, लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी मंदी चल रही है ना प्रताप सर, इसलिए कोई फ्लैट नहीं बिक रहा है सर। कैसी मंदी, काकनाड के सारे फ्लैट तो तभी बिक गए थे जब बिल्डिंग आधी थी। त्योहार पे कोई प्लॉट मिल जाए तो उस पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दे। पर वहाँ काम करने के लिए आपको सैंक्शन मिल जाएगा? अरे कोई परेशानी नहीं होगी, सब मिल जाएगा, सिटी पुलिस कमिश्नर अपना ही है। वही है क्या कमिश्नर? हाँ, वो मेरा साइलेंट पार्टनर है, तो चिंता मत करो, इस मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए सर, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए सर। मैं जब इनके पास अपने पैसे मांगने गया, इन्होंने फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश की। अपना गम भुलाने के लिए जब मैं बार में थोड़ी सी पीने गया तो इन्होंने अपने गुंडों से मुझे मरवाने की कोशिश की। मुझे प्रोटेक्शन दीजिए सर, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मास्टर
मैंने सुना है कि तुम बहुत स्मार्ट प्लेयर हो। कल मेरे बेटे पर दांव खेलकर कुछ ज्यादा ही बड़ा गेम खेल गए। जिन्होंने मुझसे और मेरे बेटे से खेलना चाहा, उन्हें कोची लेक में डुबाकर मार दिया गया। तुम भी वही चाहते हो? मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना सर, आप बस मुझे सलाह दीजिए, मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। कभी पुलिस को रियल गेम खेलते हुए देखे हो? मैं बचपन में चोर पुलिस का ही खेल खेलता था सर, हमेशा चोर बनता था, वही सेफ लगता है। तो पुलिस गेम कैसे खेलती है तुम जानते नहीं हो? आंखें बंद करके हम 10 तक गिनते हैं। उस दौरान चोर को जितना भागना होता है भागता है, उसे जितना खेलना होता है खेलता है। आंखें बंद करके मैं अब तक वही देख रहा था तुम क्या क्या गेम खेल रहे हो। योर टाइम इज ओवर। ये सब कहकर इसे डराइए मत सर, अगर इसे साफ साफ बता दे तो ये खुद ही समझ जाए। मैं चाहता तो तुम्हें बार में ही मरवा दिया होता, पर असल में बात क्या है हम तीनों ही जानते हैं। अरे अगर तुम हम में से किसी के सामने भी उस पैसे के लिए दिख गए ना, तो फिर समझ लेना। सर आपकी बेंज कार सनरूफ वाली है ना, कल रात में उसे गलती से लेकर चला गया था। तेज बारिश का पानी सीधे गाड़ी में आ रहा था, बहुत बुरा लगा, मैं भी भीग गया। सर आप भी कुछ कहिए। अब कहेंगे नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं सर, जाने दीजिए। ए बॉस बोलो, जो पैसे हमने लिए हैं वो वापस चाहिए ना? लेकिन वापस पाने के लिए जो दुश्मनी तुम हमसे कर रहे हो बहुत महंगी पड़ेगी। अरे यही तो, यही बात तो मैं यहाँ कहने आया था। सर जी जब तक मेरा अकाउंट क्लियर नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके लिए चाहे मुझे कमिश्नर कहे या फिर चाहे DGP कहे। तुमने मेरे सेट पे आके हंगामा किया और बाद में मेरी गाड़ी लेकर भी चले गए, तो हिसाब बराबर हो गया। अब तुम अपना अकाउंट बंद कर दो और हम तुम्हें माफ कर देंगे। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़िया किसी शेर को माफ करने की बात कर रहा है। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई। आपको देखकर मुझे अपने भाई की याद आ रही है, आप ही खरीदने आए थे ना भाई? हाँ भाई। मेरे प्रिय भाई, अब तो आप खुद ही सब कुछ समझ गए होंगे ना, अब जाओगे या रुकोगे? जाऊंगा बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहे? हाँ चलो। तुमसे तो बाद में मिलता हूँ, फोन उठा लेना। तो सर जी अपनी दुश्मनी की लिस्ट में मेरे लिए एक और पन्ना जोड़ लो, क्योंकि मैंने तो उसे भगा दिया। मिलता हूँ। बॉस को बोल के यहाँ एक स्विमिंग पूल बनवाना है ताकि पी के तुरंत नहा सके, बस पीते रहो और नहाते रहो। पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं। अभी एक प्रोड्यूसर की हालत देख रहे हो? अच्छे से फ्राई करके क्रिस्पी बनाओ, नहीं तो बॉस इसके लिए तुम पर फायर हो जाएंगे। ये क्या है बॉस, वेली उठा ला है? समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, प्रताप वर्मा जैसी, तो बॉस अभी प्रताप वर्मा को फ्राई करेंगे। बेचारा वर्मा 3 पीस में कट गया। प्रताप वर्मा ने नई फिल्म अनाउंस की है, अगर पैसा नहीं है तो कैसे कर दिया? वो हमारा पैसा वापस करने के मूड में नहीं है, उल्टा कमिश्नर के साथ मिलके हमें किसी मुसीबत में फंसाना चाहता है। वो बॉस का क्या करेगा, उसके अगले फिल्म सेट पर भी बॉस ग्रैंड एंट्री करेंगे, फिर कुछ पंच डायलॉग मार के डायरेक्टर को अपने साथ उठा कर ले आएंगे। ये लोग पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कई फाइनेंसर के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसलिए जब वो पैसे मांगने आया था तो मैंने मना किया था। अब वही हुआ ना, आपका पैसा भी गया और केस हुआ वो अलग से। ब्रेकिंग न्यूज, प्रोड्यूसर का बेटा लापता, प्रोड्यूसर ने पुलिस में की कंप्लेन। फेमस फिल्म निर्माता प्रताप वर्मा के बेटे आदित्य वर्मा लापता हो गए हैं। प्रताप वर्मा ने इसके लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी है। पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ पर वापस लौटा था, कल सुबह घर से निकला, उसके बाद कोई खबर नहीं। सर जवान लड़का है वो, सिर्फ एक रात के लिए वो घर नहीं आया तो आप इतना डर गए हैं, जबकि पुलिस कंप्लेन भी कर दिया है आपने। एक फिल्म के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर मुझे बार बार धमकी मिल रही थी, 2 दिन पहले किसी ने मेरे बेटे और उसके साथियों पर मेरे ही होटल में मारपीट की थी, मैं उसके बारे में कंप्लेंट करने ही वाला था कि पता चला मेरा बेटा लापता है। उसने धमकी दी है कि वो मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, इसलिए मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही चिंता हो रही है। लेकिन सर इस तरह से बस बहुत हो, आइए सर। सर एक सवाल, सुनिए ना, कोची में माफिया का दौर वापस आ चुका है, इस बार जाने माने प्रोड्यूसर को विक्टिम बनाया गया है। पणिकर,
तुमने बोला और मुसीबत आ गई। अब यही मुसीबत हमें ट्रॉफी दिलाएगी। पकड़ो इसे, मैं राउंड लगा कर आता हूं। मैं भी आऊं? नहीं, कहां जा रहे? क्या पता। आजकल हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। दो दिन से उसका कोई पता नहीं है। अगर भाग गया होगा तो और मुसीबत हो जाएगी उसकी। सुनो, अमेरिका से जो मंगवाई थी वो ग्रीन बॉटल कहाँ है? ओ, वही कहीं होगा, ध्यान से देखो। पता नहीं कहाँ छुपा देता है। वो डर कर भागने वालों में से नहीं है। उसका गेम बंद करना है तो उसकी मान तक पहुँचना ही होगा। पहुँचेंगे। पता नहीं कहाँ चला गया, ऊपर से आदित्य का फोन भी नहीं लग रहा। जैसा बाप वैसा उसका बेटा। अगर उसका फोन स्विच ऑफ है तो वो जरूर कहीं ना कहीं कोई कांड कर रहा होगा। तुम्हारा बेटा जो है। तुम आदित्य को मैसेज भेजो, वो कहीं इधर उधर ज्यादा घूमे नहीं। आइज़क, हमने उसका पूरा घर छान मारा है सर। मुझे लगता है वो अपने नौकरों के साथ भाग गया है। कल से उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन डोंट वरी, हम जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताओ। ओके सर। पापा। ये तो आपका ही ऑफिस लग रहा है। टिकटॉकिंग विद फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर कमिश्नर सर। सर, इन्होंने एसी का रिमोट लाने के लिए कहा था। सर, मैं जानता था आप आएंगे तो आपका मूड गर्म होगा, इसीलिए सोचा कि आपके आने से पहले एसी ऑन करके रूम ठंडा कर दूं। लेकिन आप तो पहले आ गए। तुम जाओ। ओके। कैसा चल रहा है सर? क्या है कि पुलिस पीछा करके मुझे पकड़ नहीं पाती है, इसीलिए मैंने सरेंडर कर दिया। ये सब करके तुम अपना कॉन्फिडेंस मुझे तो दिखाने की कोशिश मत करो। पुलिस जब खातिरदारी करती है तो पता है ना क्या होता है, बीवी बच्चों को भी नहीं देख पाओगे। सॉरी सर, मेरी शादी नहीं हुई, अकेला हूँ। वाकई? हाँ। फिर भी कल सुबह तक तुम्हारी ये अकड़ निकाल ही दूंगा। वाह सर, क्या डायलॉग मारते हो। अब अगर मैं आपके डायलॉग के ऊपर कोई पंच वाला डायलॉग जोड़ दूं तो आप उसके लिए मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझ पर भड़क जाएंगे। अब जाने भी दो सर। मीडिया को इन्फॉर्म करो कि हमने इसे पकड़ लिया। यस सर। को अरेस्ट कर लिया गया। लोन माफिया को पकड़ा गया। बॉस अरेस्टेड। बॉस के पकड़े जाने के बाद फिल्म में पैसा लगाने वाली और भी बड़ी मछलियों के बारे में पता चल सकता है। ये है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? फिल्मों में पैसा लगाने वाले शायलॉक की आप लोग जांच करने के लिए बॉस को अलवा पुलिस क्लब में रखा गया। देखिए, अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इंक्वायरी बस हमने शुरू की है, बाद में अपडेट करता हूँ। फिलहाल बॉस को पूछताछ के लिए पुलिस। ये कैसा फोटो है? प्रोड्यूसर के बेटे को किडनैप करने के जुर्म में बॉस। इसमें हैंडसम लग रहा है। कस्टडी में रखा गया है। अरे कौन है? तगड़ी पूछताछ। लाइट मार रहा है। लेकिन फिर वो सर है। आइए सर, आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। इस तरह से गिरफ्तार करना। हाथ बंधे 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 हुए हैं। हाथ बंधे 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 हुए हैं। हाथ बंधे बंधे। तुमने न्यूज नहीं देखा? टीवी में जो इस वक्त दिखा रहे हैं ना, वो बहुत ही कम है। बाहर का मंजर जो मैं देख कर आ रहा हूँ वो बहुत ही भयानक है। मैंने कहा बॉस को हाजिर कर दूंगा, आपको जो पूछना है पूछ लेना। अच्छा। वैसे इस जाल में तो तुम खुद आकर फंसे हो। हाँ। पर तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाओगे? नहीं। या फिर ये लगता है कि तुम फिल्मों की तरह मुझे चकमा देकर, हथकड़ी मुझे पहनाकर यहाँ से तुम गायब हो जाओगे, जैसा एक्टर विजय ने किया था? विजय नहीं सर, विजय सेतुपति। क्या मैं आपको वो कहानी सुनाऊं सर? वंस अपॉन अ टाइम एक पुलिस वाला था और एक चोर था। चोर को छुपने के लिए पुलिस वाला आंख बंद करके दस्तक गिनता था। गिनने के बाद जब पुलिस वाला आंख खोलता था तब वो चोर कहीं छुप जाता था, क्योंकि अगर वो चोर पकड़ा जाता तो पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है सर, पुलिस वाला अपनी आंख खोलेगा तो भी चोर यही मिलेगा। जबकि पुलिस वाले को लग रहा था कि आंख खोलने से पहले वो चोर भाग जाएगा, फिर पुलिस वाले के दिमाग में ख्याल आया, फिर वो चिल्लाने लगा कि मैंने चोर को पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया। उस पुलिस वाले को पता नहीं था कि उस चोर ने कहानी का क्लाइमेक्स बदल दिया है।
टीवी ऑन कीजिए सर। आपको पता नहीं कि पुलिस वाले ने जब आंखें बंद की थी तो चोर ने क्या किया। आदित्य वर्मा, जिनके अपहरण की चर्चा सुर्खियों में थी, इस केस की जांच करने वाले कमिश्नर फेलिक्स जॉन की बेटी के साथ होली मनाते हुए नागपुर के एक रिसोर्ट में देखे गए हैं। आइए हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं होली खेलते हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फेलिक्स जॉन वही कमिश्नर हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही पकड़ में नहीं आ गया था सर, पहले मैं नागपुर गया फिर यहाँ आया। ये पकड़िए सर। यस सर। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन चक के दायरे में आ चुका है। गिली 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 गिली। इसके पीछे कोई साजिश थी क्या? किस साजिश की बात कर रहे हो? इस केस की जांच कर रहे कमिश्नर की बेटी को लेकर भाग गया था वो। आपको जैसे ही पता चला आप लोग कैमरा लेके आ गए। जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने हमारा। हाँ तो मैं जाऊँ सर? वैसे भी आपने तो मुझे रिहा कर दिया है, थैंक यू सर। हाँ सर, यहाँ से मेरा इस तरह जाना आपको फिल्मी लग रहा होगा। अब तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा सर। चलता हूँ। सर, दो दिन की इंक्वायरी और जांच पड़ताल के बाद ये साबित हो चुका है कि आप निर्दोष हैं। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे सर? जब प्रताप सर ने आकर बोला कि मेरी शूटिंग रुकने वाली है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये सही है कि मैंने पैसे देकर उनकी सहायता की। और जब मैं अपने पैसे मांगने उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे और समय मांगा जो कि मैंने उन्हें दिया, और फिर मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि मैंने उनके बेटे को किडनैप कर लिया। भाई ऐसा तो मैंने कई फिल्मों में होते देखा है। मेरे जैसा शरीफ ये कैसे कर सकता है? क्या आपको पुलिस ने टॉर्चर किया है? शिट, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब मुझ पर कर्ज भी चढ़ चुका है और मैं लोगों की नजरों में ठग भी बन गया हूँ। दो दिन यहाँ जो मुझे मार पड़ी है उससे मैं बहुत डरने लगा हूँ। डर से मैं थर थर कांपने लगता हूँ। ऐसी हालत है कि मैं तो आप लोगों से भी डर रहा हूँ। चलो भाई, उस इंसान का मैं दिल से आभारी हूँ जिसने आपको वो वीडियो दिया, और आप लोगों ने उसे टीवी पर चलाया इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप देख सकते हैं कि बॉस को कितना टॉर्चर किया गया है और इस घटना के बाद वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। आज फिर हमने वो कर दिखाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आई है बॉस। आज फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। आइए बॉस। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों, क्या तुमने न्यूज में नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा नागपुर में है? फोन नहीं किया? ए, ये लड़ाई मेरी और तुम्हारी है, इसमें तुम मेरे बेटे को क्यों खींच रहे हो? तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर यह लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच की है तो मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने बेटे का यूज क्यों किया? मैं न्यूज देखते ही समझ गया था कि तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है, और यह बात मेरे काम आ गई। कमिश्नर की बेटी के साथ तुम्हारा बेटा मजे कर रहा था, अब इस वक्त वो कहाँ होगा? क्या वो हवा में उड़ गया? हाँ शराफत से बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है या मैं उगलवाऊ। उसे पकड़ के कहाँ रखा है? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा बॉस। अकाउंट की बात कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें उसी दिन बता दिया था, मैं इस शहर को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरे सारे पैसे नहीं मिल जाते, वो भी मूलधन और ब्याज के साथ में। मगर तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी जो पढ़ाई तुम अभी कर रहे हो उसका एग्जाम देकर मैं डिग्री भी ले चुका हूँ। अब मुद्दा ये नहीं है कि अकाउंट कब और कैसे सेटल करना है। एक बात अच्छी तरह जान लो, हम जो कुछ भी करते हैं उसका सबूत कोई ढूंढ ले ये संभव ही नहीं। आप भी ट्राई कर लो। नागपुर से तुम्हारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है, अब वो उसे उल्टा लटकाकर बुरी तरह मार रहा होगा। वो दर्द से डैडी डैडी चिल्ला रहा होगा।
अगर वो ज्यादा जोर से चिल्लाएगा ना तो वो उसके मुंह में गर्म रॉड भी डाल सकते हैं। भागने की कोशिश करेगा तो पीछे से कोई गाड़ी उसे ठोक सकती है, और जब वो बेचारा रोड पर गिर जाएगा तो वो गाड़ी उसे कुचल कर जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुचलने वाली गाड़ी उस मरने वाले के बाप की हो, और शायद गाड़ी का ड्राइवर BOSS बॉस हो सकता है। अब मेरा तू बाल भी नहीं उखाड़ सकता। शाम तक उसकी बॉडी घर पर पहुंच जाएगी, ये अपने पार्टनर को भी बता देना। अब चलता हूं, चलो। और कितनी पियोगे? रहने दो। तुम लोगों की बातों में आकर मैंने अपने बेटे को खो दिया। मैं जो भी करता था उसकी खुशी के लिए, और अब वो हमें छोड़कर चला गया। ये खेल हमने साथ में खेला है। जो खून तुम्हारे आंगन में बिखरा है वो हम दोनों का ही नुकसान है। मेरी बेटी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। ये हमला मुझे अकेले पर नहीं किया गया सर, बल्कि हम सब पर एक साथ हमला किया गया है। पर आखिरी में आपने जो बात मुझसे कही है ना, वो बात मुझसे अकेले नहीं कही, वो बात किसी और से भी पहले भी कह चुके हैं सर, जिसके सहारे वो यहां तक पहुंचा था, जिसे बहुत पहले खत्म कर चुके हैं। उसमें अगर ये इन्वॉल्व है तो तुम भी हो, और अगर तुम दोनों इन्वॉल्व हो तो मैं भी हूं, और देखो वो भी इन्वॉल्व। अगर वो यहां बदला लेने के लिए आया तो अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। आज जैसे हम रो रहे हैं वैसे ही वो भी रोएगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर डालो, वो खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ आके हीरोगिरी करे, खत्म कर दो। बैटिंग अच्छी चल रही है और कोई बीच में रनआउट हो जाए तो बहुत अफसोस होता है, और ऐसा तुम्हारे या तुम्हारे पार्टनर के कारण हो सकता है। मैं जानता हूँ किसी एक्सीडेंट से मेरे बेटे की मौत नहीं हुई, लेकिन इंसाफ के लिए मैं किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, खुद इसका इंसाफ करूंगा। ये तो अच्छी बात है, मतलब अभी तक किसी को कहानी समझ में नहीं आई। बट वाई, यहाँ इतने सारे पुलिस वाले और फिल्म वाले हैं पर किसी ने मेरा फ्लैशबैक जानने की कोशिश नहीं की। बट वाई, वो क्या है कि मैं इस कहानी की शुरुआत तुम्हारे बेटे से करना चाहता था ताकि हमारा पुराना हिसाब बराबर हो जाए। ये तो सिर्फ एक सीन है, फिल्म खत्म होते होते तुम लोग सब समझ जाओगे। चलता हूं भाई, चलो। बॉस, ये सब हो क्या रहा है? आपने जो कुछ भी कहा वो सब सच था क्या? क्या आपने उसे अपने हाथों से मार दिया? चलो कार स्टार्ट करो। जान से मार दिया क्योंकि उसने पैसे नहीं लौटाए। उसकी जगह अगर मैं होता तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही करते, मुझे मार डालते, है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें विश्वास होगा भी नहीं। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ
अरे बताओगी कि क्या हुआ? क्या बात है? अरे रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। मैं अभी आता हूँ, जल्दी चलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं भाई, तुम्हें तब तक नहीं मरना है जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। कुछ दिखाता हूं भाई, देखो देखो ये देखो भाई। मैंने इसे मार दिया भाई। तुम ठीक हो जाओगे। इतने सालों से आपके साथ हूं, पर आज तक मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। पर आज ऐसा क्या हुआ? जो राज आपने छुपा रखा है उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। जो आप हमें नहीं बताना चाहते वो जानने का हक नहीं है। पर ये बताइए कि ये कौन है? सबको मेरा प्रणाम। ये पंचायत यहाँ इसलिए बुलाई गई है कि हमारे अय्यनर का भाई मुकेश और रंगा की बहन पंखुड़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिसकी वजह से दोनों परिवार में झगड़ा हो रहा है। इसलिए अय्यनर, रंगा दोनों आपस में समझौता करें। मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया। अय्यनर का भाई या अनाथ इसका भाई कैसे हो गया? अरे माँ, अय्यनर का कोई छोटा भाई भी था क्या? नहीं तो, सबको पता ये अनाथ है। ऐसा क्या? अरे बापू, आपको तो कुछ पता होगा। वो तो दुनिया के हर इंसान को अपना भाई बोलता है, तो क्या हम उन सबको अपनी बहन देते रहे? भाई, यहाँ बैठा हर आदमी मेरा भाई है। हर आदमी मेरा आदर करता है और उसी आदर की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मुकेश मेरा भाई ही नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। बहन की शादी करोगे तो उसे रानी बना के रखेगा। भाई है या बेटा, पहले ये क्लियर कर। हे मुच्छड़,
जब इसके माँ बाप का कोई ठिकाना ही नहीं है तो ये इसका भाई कैसे हुआ? अरे कम से कम इसकी जाति का तो पता कर लो। जात पात की बात क्यों कर रहे हो? एक लड़की को जिंदगी में क्या चाहिए? एक खुश रखने वाला पति और सुख शांति, और ये सब किसी जाति धर्म से नहीं मिलता। एक नेक इंसान ही ये दे सकता है। क्या पंच डायलॉग मारा है। चलो इसके लिए ताली बजा दो। मजा आ गया। तुम इस लड़के के दलाल बनकर मेरी बहन का हाथ मांगने कैसे आ गए? इस तरह बात करके क्या लगा कि तुम मेरा अपमान कर दोगे? कभी नहीं, बल्कि खुद का अपमान कर रहे हो। मेरे लिए तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारी बहन जरूरी है। बोलो बेटी पंखुड़ी, तुम मेरे इस भाई मुकेश से शादी करना चाहती हो? इन सब के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हे, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काट कर फेंक दो इन सबको। क्या कहा था तुमने? वो किस जाति का है? हम सब मानव जाति के हैं, तुम अलग जाति के हो क्या? और तुमने क्या पूछा था? उसके माँ बाप कौन है? बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता, ये तुझे नहीं पता है क्या? मैंने भाई से कहा था कि वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा, पर भाई ने क्या कहा पता है? वो मेरे भाई के जैसा है, मैं समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। भाई को तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मेरी फैमिली पर हाथ उठाने से पहले मेरे बारे में 100-200 बार सोच लेना, और अगर तुम सोच लोगे तो फिर दोबारा ये गलती नहीं करोगे। बात भेजे में घुसी की नहीं, या भेजा ही खोलूं। क्या है?
क्या फाइट थी भाई, मजा आ गया। जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो 1.5 क्विंटल के वजन से मारता हूँ। तुम सारी फिल्मों के डायलॉग पूरी तरह से याद कैसे कर पाते हो? फिल्म स्टार की तरह बात करते हो तुम। फिल्म में चांस नहीं मिला तभी तो ऐसी जगह टैलेंट दिखाता हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो? तुम मेरे कमांडर हो, मैं तुम्हें एक्टिंग का मौका दूंगा, तुम्हें हीरो बनाऊंगा मैं। सच में? क्या वादा करता हूँ। मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि भाई वहाँ नए लोगों को चांस मिलता है। पता तो नहीं क्या? ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं बनाऊंगा फिल्म। पागल हो गई है क्या? क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, शांत हो जाओ। रुको, अपनी ही बहन की बेइज्जती कर रहे हो। किसी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? इसे जान से मार देना चाहिए। पापा आप बीच में मत आइए, ये हम लोग देख लेंगे। देखा पापा, इतना होने के बाद भी कैसे अकड़ के खड़ी है? अकड़ के खड़ी है जानते हो क्यों? क्योंकि वो भी इसी की बहन है। मेरी बात सुनो, उसे अंदर लेकर जाओ। अंदर चलो। देखो कैसे घूर रही है। अरे गॉड, डरूंगा क्या कर रहा है? शांत हो जाता था। और तुम सबको एडवाइस देती रहती हो, अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती? उसे क्या समझाऊं, कम से कम उसने हमारी इज्जत तो रख ली। रंगा, तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी उसकी आंखों में कोई दर्द दिखा या डर दिखा? नहीं ना, क्योंकि उसके दिमाग में प्यार का जहर तुम्हारी दारू से ज्यादा चढ़ गया है। अब वो नहीं समझेगी। ए रंगा, उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलाना इतना आसान काम नहीं है। भगवान शिव के सांप की तरह ही वो टेल उस अय्यनर के पूरे परिवार की रक्षा करता है। अगर उस टेल को काट दिया जाए तो हेड को कुचल सकते हैं। मैं उसकी पूंछ को काट दूंगा। तुमने मुझे यहाँ किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है ना? पहले मैं इसे पी लेता हूँ, उसके बाद हम आराम से बात कर सकते हैं। हाँ सही कहा, चाहे खुशी हो या गम, शराब तो तुम्हें पहले चाहिए। hey, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। हाँ बेटा मुकेश, मुंह लटकाए क्यों बैठा है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। है? रंगा ने तुम्हें अनाथ कहा, इस बात को लेकर तुम इतने अपसेट हो क्या? भाई मैं इसके लिए क्यों अपसेट होऊंगा, मेरे लिए आप लोग हो ना। तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? इसलिए तो नहीं कि मैंने तुम्हारे साले को मार दिया? नहीं भाई। या फिर ये सोचकर डर रहे हो कि पंखुड़ी नहीं मिलेगी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए पंखुड़ी तुम्हारी ही होगी। अब अगर एक बार मैं कुछ सोच लेता हूँ फिर मैं किसी की नहीं सुनता। वैसे भैया और भाभी की शादी कैसे हुई पता है तुम्हें? मेरा जन्म और परवरिश पलाकड़ की गलियों में हुई, वहीं पला बड़ा। इधर उधर मेहनत करके पैसे कमाकर खाता था और बचे हुए पैसों से फिल्म देखता था। उस समय मैं फिल्म देखने के लिए बहुत ही क्रेजी था। फिर कुछ समय के बाद मैं एक घर में काम करने लगा। वहां पर एक लड़की थी लक्ष्मी नाम की, वो मुझे सगा भाई मानने लगी। फिर कुछ समय बाद एक बिजनेसमैन लक्ष्मी के पापा के साथ बिजनेस करने के लिए आया, जहां लक्ष्मी से उसे प्यार हो गया। लक्ष्मी भी उस आदमी के बगैर नहीं रह सकती थी। बॉस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे उस आदमी के हाथ पैर तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन मैं लक्ष्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं उसे लेकर भाग गया और उन दोनों की शादी करा दी। और वो बिजनेसमैन यही है, उसी वक्त से मैं इनके साथ हूं और ये मुझे कहते हैं पूंछ। ये खुद को ममूटी कहते हैं और मैं रजनीकांत। मैं तो पहले ही खा चुका था मगर फिर से खा रहा हूँ, टेस्टी है ना? टेल कहाँ है? दरअसल वो थोड़ा बिजी है। किस काम में? आपको तो पता ही होगा। वही एक्टिंग प्रैक्टिस। कोई नहीं जानता है कि मैं कब कैसे और कहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन जब मैं एक बार ठान लेता हूँ तो सही जगह पहुँच जाता हूँ। आओ नाश्ता कर लो। ये लोग सुपरस्टार नहीं बनने देंगे। आ, देखो तो आ गया अपना टेरर स्टार टेल। चुप 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 रहो, नहीं तो मैं डैडी को बुलाऊंगा। और हाँ, रजनीकांत के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो? वो फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे। देखना उसी तरह एक दिन मैं भी सुपर स्टार बनूंगा। फिर तुम्हें मुझे देखने के लिए लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदनी पड़ेगी। अगर तुम मुझे रेस्पेक्ट दोगे तो मैं तुम्हें अपना मेकअप मैन बना लूंगा। हमेशा यही सब इडली डोसा सांभर वड़ा चटनी
कभी तो इसके सिवा और भी कुछ बना लिया करो। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या तुम भी सुबह सुबह उनको परेशान मत किया करो और हाँ चेन्नई जाने की तैयारी कर लो। चेन्नई क्यों जाना डियर? चलो जल्दी करो। आता हूँ आता हूँ। मैं उसे सुबह से फोन कर रहा हूँ भैया, लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ब्रोकर कुमार को कॉल करो। ओके भैया। अगर जवाब नहीं देता तो मैसेज छोड़ देना उसे। जी भैया। रहीम नाश्ता तैयार है, जाकर कर लो। आप बिजनेस की बातें घर में क्यों करते हो? तुम्हें क्या हुआ है? पंखुड़ी का फोन आया था, वो लगातार रोई जा रही है। जब मैंने उसे रोते हुए सुना तो मुझे अपनी बातें याद आ गईं। आप मर्दों के इस तरह से लड़ते रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हम सबको साथ चलकर उनसे बात करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी चाहती है तो हमें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हाँ, मैं कार लेकर आता हूँ। रुको, तुम नहीं जाओगे, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। टेल के बिना हम लोग कैसे जा सकते हैं? बात को समझो, रंगा इसे पसंद नहीं करता है। तुम्हें तो पता ही है कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। मैं नहीं चाहता दोबारा वैसा हो। वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, उनसे कह दो मैं भी चलूंगा। मैंने एक बार कह दिया ना नहीं जाओगे। ओ भाई ने एक बार कह दिया मतलब मुझे नहीं जाना है। भाई हिसाब में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे सिर से सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि दिमाग भी गायब है। मुझे माफ कर दो भाई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चल निकल यहां से। कौन है? आई आई नमस्ते। आई नमस्ते। क्या बात है बहन, ये सामान लेकर यहाँ? मेरे ये तीनों भाई राम है, मुकेश है, रहीम है, माना ये मेरे सगे भाई नहीं है लेकिन सगे से कम भी नहीं है। सब अनाथ है लेकिन इन्हें मैंने ही पाला। हम सब लोग एक साथ मेहनत करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं और मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। रंगा, उस दिन पंचायत में वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारना चाहा। जल्दबाजी में मैंने भी तुम्हें थप्पड़ मार दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चिन्नम्मा, एक औरत तभी खुश रहती है जब उसकी शादी उससे हो जिससे वो प्यार करती हो। आप ही इन्हें समझाइए। कोई मुझे नहीं समझा सकता, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। सुन रहे हो ना, बड़ी आई समझाने वाली, बहरे हो क्या सबके सब? लक्ष्मी पंखुड़ी को बुलाओ। पंखुड़ी, पंखुड़ी तुम हमारे मुकेश से शादी करना चाहती हो ना, तो चलो हमारे साथ। पंखुड़ी, मेरे सामने तू इस लंगड़े के। देखो पंखुड़ी मेरे भाई से शादी करने के लिए मेरे पास आ चुकी है। अब पंखुड़ी मेरे लिए मेरे घर की बहू समान है, उस पर किसी ने हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। सुना तुमने, उसके हॉर्न बजाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें बिना किसी झगड़े के ये मामला निपटा लेना चाहिए, नहीं तो तुम उसे जानते ही नहीं। होशियार हो। टेल,
ये टेल भाई, भैया बुला रहे हैं आपको। तू तो टेल मत कह, जरा सुन तो, महक आ रही है। अब ठीक है ना? हाँ। अब ठीक है। अरे कहाँ थे तुम? अंदर ही था। तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो? मिल्क शेक लाकर दूं क्या? तो कुछ और चाहिए? नहीं। तुम यहाँ पर खुश तो हो ना बेटी? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही खुश रहना। अरे मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलोगे या नहीं? कभी भी कहीं भी कुछ भी हो, आंखों में गुस्सा और हाथों में ताकत, चाहे दिल में दर्द हो, सब कुछ अकेले हैंडल करने वाला, यही है रियल हीरो। इसकी बातें बातें कम होती हैं और फिल्मी डायलॉग ज्यादा होते हैं। फिल्मी कीड़ा है इसको। भाई आपसे मिलने कुमार है, उसे ऊपर लेके चलो, मैं आता हूँ। जी आप लोग बातचीत कीजिए, तुम यहीं रुको, मैं मिलके आता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते, बैठो। मेरे पैसे का क्या हुआ? लेकर आए हो ना? मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारे बॉस कहाँ है? भाई मैंने 2 हफ्तों पहले ही उनसे आपके पैसों के बारे में बात की थी, लेकिन अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसी बात है? हाँ। 2 हफ्ते से फोन का जवाब नहीं दे रहे। हाँ जरा अपना फोन दो। नहीं मैं इसका फोन लो। लाओ। हाँ क्या हो रहा है कुमार, उससे बात हो गई? क्या कह रहा है वो पैसे के बारे में? क्या हो रहा है प्रताप सर, तुम्हारा बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? अब भाई वो पैसे की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सीधी बात क्यों नहीं करते हो? वो फोन का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि हम थोड़ी मुसीबत में थे, इसलिए आपने जिस फिल्म के लिए फाइनेंस किया था ना, असल में वो फ्लॉप हो गई। तो जब पैसे ही नहीं आए तो फ्लॉप हो गई? मैंने फिल्म की सक्सेस पार्टी यूट्यूब पर देखी। क्या प्रताप सर मुझे धोखा दोगे? पैसा क्या पेड़ पर उगता है जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के देता रहूं? अगर सच में तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मेरे विश्वास को धोखा दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा होगा मेरा पैसा लौटा दो, वरना कहीं तुम्हें मेरा दूसरा रूप ना देखना पड़े। भाई आप तो धमकी देने लगे। नहीं प्रताप सर, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं तो पैसा वापस लेने के लिए आपको फोन भी नहीं करने वाला था, पर अब तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। इन 2 दिनों में तुम्हें सब कुछ सेटल करना होगा। नहीं तो पैसा लेते समय तुमने जो मुझे बेनामी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसके जरिए मैं तुम्हारा घर, कार, एस्टेट सब कुछ ले लूंगा। भाई अब आप हमसे क्या चाहते हैं? आओ मिलके बात करते हैं। चेन्नई से मूर्ति सर का फोन है। कहो कल तुम उनसे मिलने आ रहे हो। सर वो रुको, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। सर कल मैं अपने भाई को वहां भेज रहा हूँ, 2 दिन में मामला सेटल करके वापस भेज दे। हाँ ठीक है भाई। आज क्या बात हुई उससे? क्यों इतने परेशान होते हैं? मैंने आपसे कहा था ना वो पैसा भूल जाइए, हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती हैं, तो फिर क्यों परेशान होना? मुझसे ही पैसे लेके वो लोग करोड़पति बन जाते हैं, और जब मैं वापस मांगता हूँ तो मुझे गोल गोल घुमाते हैं। तेल मुझसे ये कई बार पूछ चुका है, लेकिन मैंने नहीं बताया कि वो कौन है। उसे कभी बताना भी मत, अगर उसे पता चला कि वो लोग मुझसे चीटिंग कर रहे हैं तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी अच्छा सुनो, 2 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है, और उसके लिए मैंने एक सरप्राइज सोच रखा है, और उसी दिन मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। अब तो खुश? तुम हेड और टेल को समझना नामुमकिन है। मैं अभी पंखुड़ी के पास जा रही हूँ, वो वहाँ अकेली होगी। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर हमें कुछ करना है तो यही सही समय है।
टेल 2 दिनों के लिए घर पर नहीं रहेगा, चेन्नई जा रहा है। भाई यही सही समय है, अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं। लेकिन रंगा भाई, इतना अपमान होने के बाद तुम अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, और उधर कल वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करेंगे। तुम लोग सोचो और बताओ क्या करना है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। भाई सोकर उठे तो कह देना मैं चला गया, सोते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कब तक वापस आ जाओगे? जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। तुम्हें जो मैंने मिठाई दी है ना, हाँ। रास्ते में पेरुमल मंदिर पड़ेगा, वहाँ चढ़ा देना। कोई खास बात है क्या? परसों तुम्हारा बर्थडे जो है। ओ, परसों तो मेरा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू मी। भाई ने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी रखा है। क्या गिफ्ट है? वो सरप्राइज है। ओके 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 ओके। तुम्हें कल सुबह रवाना होना चाहिए था। कितनी बार कहा है कि रात को गाड़ी मत चलाया करो। ठीक है, अब निकल गए तो जल्दी आओ, संभल के चलाना। भैया वो मैनन मिलने के लिए आए। भेजो अंदर। जी भैया। आइए मैनन साहब, बैठिए। आज आप अकेले ही आए हैं? भाई अभी मेरी क्या हालत है शायद आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपके फोन का जवाब नहीं दे पाया। इससे पहले तो आपकी हालत और बदतर थी, तभी किसी ने लोन नहीं दिया। यहाँ तक कि आप अपनी संपत्ति गिरवी रखना चाहते थे, तब भी किसी ने भरोसा नहीं किया, पर मैंने किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन इस वक्त सचमुच मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आपके पास अपनी जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसके बदले मुझे कुछ और पैसे दे दीजिए, ताकि मैं कोई दूसरा धंधा शुरू कर सकूं। अगर कुछ न कुछ शुरू नहीं किया तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। जो संपत्ति तुमने मेरे पास गिरवी रखी है उसके लिए और पैसा नहीं दूंगा, पर तुम्हें एक आइडिया देता हूं मैं। तुम एक फिल्म प्रोड्यूस करो, उसके लिए पैसा मैं दूंगा, और मेरा पुराना पैसा नहीं लौटाओगे तो भी चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है जिससे तुम कभी मिले नहीं, बहुत हैंडसम है वो, उसे फिल्मों में काम करने का शौक है, और मेरी फिल्म में तुम उसे ही हीरो लेना, बस यही मेरी शर्त है। लेकिन वो मैं नहीं पूरी कर पाऊंगा। तो जैसी मेरी प्रताप से बात हुई तुम्हारी संपत्ति बेच के उससे पैसे ले लूंगा। ये सब करने की कभी सोचना भी मत भाई। देखिए भाई, मैं सीधा पॉइंट पे ही आ जाता हूँ। ये जो मेनन सर है ना, इन्होंने आपके पास अपनी संपत्ति रखकर जो उधार लिया है उसके बेनामी मालिक कोई और नहीं, हम ही लोग हैं भाई। वो दरअसल बात ऐसी है भाई, आपने जिस लड़के को हमसे फिल्म में लॉन्च करने के लिए कहा था ना, वो नहीं हो सकता। वैसे तो मेनन साहब की सारी संपत्ति हमारी है और हम लोग फेमस भी बहुत हैं, अब अचानक कोई हमें उखाड़ने की बात करने लगे तो हमसे सहन नहीं होगा। और जहां तक मेरी बात है तो कब तक प्रोडक्शन कंट्रोलर बनकर इनके अंडर में काम करता रहूंगा सर, बहुत बोरिंग काम है। और अब जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है, क्या किया आपने? आपके पैसे देने में देरी की सिर्फ इसलिए आपने मेनन सर को मार डाला? आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं लगता कि भाई प्यार से पेपर देने वाले हैं। Oh!
तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। क्या हो रहा है यहाँ? लक्ष्मी तुम जाओ, जाओ लक्ष्मी, नहीं जाओ। यहां तुम्हें खत्म करने आए थे, हम जब यहां पहुंचे तो कुमार ने बताया वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है, फिर हम दोनों साथ में मिल गए। आज की रात तेरे भाई की पहली रात नहीं बल्कि आखिरी रात होगी। ये आदमी हमारे लिए बहुत फायदेमंद निकला। हमसे पहले इसने उसका काम तमाम कर दिया, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कमीने कहीं के, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। अब ढूंढते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहां रखे हैं। चलो चलो। सारी मुसीबतों की जड़ यही है। भाई, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के दम पर आज तक तुम फोन पर हमें धमकी दिया करते थे। देख ले, पेपर्स करोड़ों में है इन पेपर्स की कीमत, और तुम्हें मारे बिना इन्हें वापस लेना मुमकिन नहीं था। सेटल करने की बात हो तो कहां होगा, कैसे होगा, ये बात मायने नहीं रखती, कर दो बस। और यहां एक आदमी के चक्कर में कितने ही लोगों को मारना पड़ा, जो पुलिस वाले के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कानून मुझे कुछ नहीं करने वाला। पता है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो कोई सबूत नहीं छोड़ते वहां। साबित नहीं हो पाएगा मैंने कुछ किया, तो फिर मैं चलता हूं। टेक केयर। फोन करो। हेलो पापा, ये मर चुका है।
मुकेश, मुकेश। Hey, कौन है? हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। सर्जरी हो जाने के बाद भी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो पहले की तरह घूम फिर और बात कर पाएंगे या नहीं। उनके शरीर में दो जगह पर चाकू से बहुत बुरी तरह से वार किया गया है और उस चाकू में जहरीले सांप का जहर भी लगा हुआ था। तुम्हारा मामला होने की वजह से मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। पुलिस की जरूरत नहीं है सर, बस मुझे ये जानना है कि उस चाकू में किस सांप का जहर था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? हाँ जाओ। चेन्नई पहुंचकर मैं मूर्ति सर से मिला। आपने कहा था दो दिन में काम खत्म करो, मैंने एक ही दिन में कर दिया। जाते समय लक्ष्मी ने कहा था मंदिर जाना, मैं वहां भी गया। उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे गिफ्ट देंगे, मेरा बर्थडे का गिफ्ट। यही है क्या? मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। क्या ये कोई गिफ्ट है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी, मुकेश बाहर मरा पड़ा है, रहीम हॉल में, और लक्ष्मी, उसे बहुत दर्द हुआ होगा ना, और पंखुड़ी भी। मुझे आप लोगों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये सब किसने किया भाई? किसने आपको जहर लगे चाकू से मारा भाई? बताओ, बताओ भाई, कौन था वो? हाँ हाँ, कौन था? उसे छोड़ना मत। हाँ हाँ, उसे तड़पा तड़पा कर मारना, और उससे पहले उसके उसके बेटे को, उसके बेटे को मारना। किसे? किसके बेटे को? मैं चाहूंगा कि उसे तुम मेरी आंखों के सामने मारो। कौन है वो? मेरी लक्ष्मी, मेरे बच्चे, सब खत्म हो गया। छोड़ना मत। कौन है वो भाई? कौन है वो? बताओ भाई, बताओ। डॉक्टर, 48 घंटों के बाद भी आपको इन्हें जिंदा रखना होगा कैसे भी। डॉक्टर, मैं इनकी आंखों के सामने उन्हें मार कर उनसे बदला लेना चाहता हूं। प्लीज सर, प्लीज। मैं इतने दिनों से उसके बेटे के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे मार सकूं। भाई ने उसी से शुरुआत करने के लिए कहा था। वो धोखेबाजी से ही फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचा, इसीलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का गॉडफादर बना। किसकी कार है ये? मुझे भी नहीं मालूम। क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? याद है कुछ इसके बारे में? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए इसे?
उस समय हमने जो किया बॉस उसका अवशेष है, ये बात तुम्हें याद नहीं होगी ना? याद करो वो शख्स जिसने तुमसे कहा था कि उसके भाई को फिल्मों में एक्टिंग का बहुत शौक। आया, याद आया? अब हाँ, लेकिन उसे तो हमने वही मार दिया था ना, और जो पैसे हमसे मांग रहा था उसे देने की बजाय हमने मलेशिया भेज दिए थे। सर, मेरे फोन पर एक नंबर से कॉल आया था, उसने कहा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो INR था। INR था? जी हाँ। लेकिन तुम्ही ने तो बताया था कि वो उसी समय मर गया था। मैंने कब बताया? ये बात तो आपके ही बेटे ने बताई थी, और तब से हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला और उसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी, ऐसा कमिश्नर साहब ने खुद ही बोला था। पर वो बात गलत साबित हुई, उसने अपना गेम शुरू कर दिया था। पहली बार गेम की शुरुआत कुमार से की, और इस बार भी अब कुमार के हाथों ही गेम की शुरुआत होने वाली है। जो आदमी कहता है तुम्हें मार डालेगा वो दुनिया में कहीं ना कहीं तो छुपा ही होगा, और 3 सालों से वो यही रह रहा है। उसने तुम्हें अपना दलाल भी बना दिया। किसी सांप को मारकर उसका सर कुचलने से कुछ नहीं होता, शरीर भी जलाना होता है, नहीं तो उसकी पूंछ भी खुराफात करने लगती है और उस आदमी पर हमला कर देती है। 3 सालों से वो तुम्हारे बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे बेटे के कोची एयरपोर्ट पर लैंड करते ही उसने अपना गेम शुरू कर दिया। तुमसे बदला लेने वाली ये वही पूंछ है, द मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस स्नेक। ओ, तो अब तक जो वो कर रहा था वो कोई कॉमेडी नहीं थी, ठीक कहा ना? कॉमेडी के बाद थ्रिलर हुआ, अब रिवेंज सीन होने वाला है। इस आदमी के बहाने वो हमसे अपना गेम खेल रहा है, या तो वो तुम्हें मार देगा या हम मार देंगे, तुम्हें मरना हर हाल में। हे, हाँ पापा। चाको अभी काकनाड वाले फ्लैट में होगा, तुम अभी चले जाओ और उसे बुला कर लाओ। ओके पापा। कैसे हैं सर? तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, नाश्ता पानी तैयार रखो। हाँ हाँ जरूर सर, उसके पहले मैंने आपके लिए कुरियर भेजा है सर, कैश दे दीजिएगा सर, चाको के हाथ भेजा है सर। चाको? उसने बहुत ज्यादा पी लिया सर, प्लीज जरा जल्दी कलेक्ट कर लीजिएगा। चाको? आपके द्वारा डायल किया गया। क्या हुआ सर? स्विच ऑफ आ रहा है, चलिए चल कर देखते हैं। हाँ। तुम ऊपर देखो, मैं मेन स्विच ऑन करता। चाको! फिलिक्स सर, आप तो बहुत जल्दी वहां पहुंच गए। मगर फिलिक्स सर, मैंने जो समय बताया था उससे पहले ही चाको को हैंडओवर कर दिया। अगर आपको सर्विस पसंद आए तो मुझे 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा सर। वर्मा? हाँ सर, वो यहीं पर है, बहुत पिया हुआ है। फिर ज्वेल कहाँ है? चल उठ। बेटा, बेटा, ज्वेल, बेटा। उसने मार डाला, वो हम सब को मार डालेगा, लेकिन तुम उसका आज तक एक बाल वाका नहीं कर सके। यही एक आदमी था जो हमेशा हमारे खिलाफ बोलता रहता था, हमें इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। अब खेल हमारे और उसके बीच रह गया। मैंने आपको सरप्राइज क्या दिया सर, आपने तो मुझे भी सरप्राइज दे दिया। मेरे काम का बोझ कम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनल गेम के लिए अब तैयार हो जाओ, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करते ही ये गेम अब खत्म हो जाएगा। अपने बेटे के मरने का आपको जरा भी गम नहीं? ऐसे माहौल में भी आप इस तरह पंच डायलॉग मार रहे हो, इसे कहते हैं विलेन। तो मिस्टर विलेन, सीधा तुम यहां आ जाओ, दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद मत करो।
जिस जगह पर हमारी शुरुआत हुई थी मैं वहीं पर हूँ और आपके स्वागत के लिए बैठा हूँ, इसीलिए आप फौरन वहां से निकलो। हाँ, मेरे वहां पहुंचने तक ही तुम जिंदा बचे रहोगे, तुम्हारा खेल खत्म, द गेम इज ओवर। सर ये गेम इस साल का सबसे बड़ा गेम होने जा रहा है, वेलकम टू कम्बम थैनी। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए ये सेट आपको कैसा लगा? जब फिल्म की शुरुआत आपने इसी जगह की थी कमिश्नर साहब, तो फिर उसका क्लाइमेक्स कहीं और होगा तो मजा नहीं आएगा। देख क्या रहे हो, इसका अकाउंट क्लोज करो। कैसा लगा कमिश्नर सर? सिनेमा स्टाइल में अगर आए हो तो थोड़ा ट्विस्ट भी देख लो बॉस। क्लाइमेक्स है ना, इससे भी ग्रैंड होना चाहिए। जरा पीछे मुड़कर देखो। कैसा लगा स्टोरी में ट्विस्ट? इस न्यू जेनरेशन सिनेमा के दौर में विलेन ही हीरो साबित होता है। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब हमें इसके दूसरे पार्ट के बारे में सोचना होगा। इस हेड और टेल ने मुझे मारने की धमकी दी थी कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊं, ये मुझे ढूंढ के मार देगा। अब तेरे हेड का हेड मेरे चाकू के नोक पे है, अब क्या करेगा तू? ए कुमार, जल्दी से उस लंगड़े का काम तमाम कर दो। ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन हो, हीरो हमेशा हीरो होता है।
कमिश्नर सर, जब आप इस घर में सबको एक एक करके खत्म कर रहे थे तब आपसे गलती हो गई थी। आपने ये चेक नहीं किया कि ये मरे या नहीं। अगर आप उसी दिन इन्हें मार देते ना, तो मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर सब मर जाते तो मैं भी आत्महत्या कर लेता। बिना हेड के टेल का मतलब ही क्या? आज तक सिर्फ ये इसीलिए जिंदा है ताकि तुम सब लोगों की मौत अपनी आंखों से देख सके। जब इन्हें पता चला कि मेरे हाथों तेरी मौत होने वाली है, तो मैंने इनकी आंखों में एक चमक देखी। मैंने इस खेल की शुरुआत 3 साल पहले ही कर दी थी, और आप तो सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे। सेकंड पार्ट भी बनेगा सर, मगर आप में से कोई भी उसमें नहीं होगा। तो अब इस खेल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं प्रताप।